पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। भारतीय किसान प्रदर्शन किया और एक जापान में जापान में मांग करते हुए कहा जनता पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में किसानों से अपने कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय किसान यूनियन को मांग करता है कि किसानों के लिए किसानों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही यदि ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय किसानों की मांग है कि किसानों का जो गेहूं है वो सरकार नहीं खरीद रही है और गेहूं बिचौलिए खरीद रहे हैं। किसान अगर सेंटर पर गेहूं लेकर के जाता है तो उसे बारदाना नहीं मिलता और परेशानी उसे होती है और चार चार दिन तक वो सेंटर पर लगा रहता है। गन्ना किसानों का खेतों में खड़ा हुआ है, पेमेंट उसकी नहीं हो रही है और किसानों से जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने जब विधानसभा का इलेक्शन था तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम समस्त किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। अगर कहीं हुआ है तो कहीं 2-4 लाख या 2-4 किसानों का हुआ है। हमारी भारतीय किसान यूनियन की डिमांड है कि समस्त किसानों के जो है वो कर्जे माफ़ हुए और समस्त किसानों का जो गेहूँ है वो सेंटर पे बिना लाइन के खरीदा जाए, किसानों को परेशान ना किया जाए और जो ये बीच के बिचौलियाँ हैं जो गेहूँ खरीद कर सेंटर पे पहुँचा रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके इन्हें जेल में भेजा जाए। चमरौआ की लेखपाल गीता राणा जी का पूरा मीडिया में रहा, योगी जी को भी दिया, रिश्वत लेते हुए दिखाई गई, लेकिन उनके खिलाफ कहीं कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। नानपुर में लेखपाल साहब ने 30,000 रुपये ले लिए थे किसानों से, क्योंकि वहाँ कुछ ग्राम सभा की जमीन दूसरे नंबरों पर थी और किसानों के हक में नाप करके बोले ऐसा है तहसीलदार साहब पैसे मांग रहे हैं, आप पैसे दे दीजिएगा। लेखपाल ने 30,000 रुपये उन किसानों से ले लिए और उनके खिलाफ कार्यवाही भी कर दी। कल वो प्रेशर दबा करके लेखपाल साहब वो पैसे वापस किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है प्रशासन के सिस्टम द्वारा और छोटे अधिकारियों द्वारा, इस लड़ाई को लड़ने के लिए किसान यूनियन जो है सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।